हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, मैं आज आपके लिए एक अलग रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको देखकर खाकर भी बहुत मजा आने वाला है। जो दिल्ली के बहुत मशहूर लड्डू हैं, ये दाल के लड्डू भी कहते हैं इन्हें और राम लड्डू भी बोलते हैं, जो मैं बनाने वाली हूँ। ये एक कटोरी मैंने दाल ली है चने की, जो 3 साढ़े 3 घंटे से मैंने भिगा दी है। और ये मूंग की दाल है धुली हुई, ये भी मैंने भिगा कर रखी थी धोकर। ये उड़द की धुली दाल है, ये भी मैंने भिगाई थी। और इसकी चटनी ये रही, एक कटोरी के लगभग मैंने वो लिया है हरा धनिया, और थोड़े से छोटे छोटे पत्ते निकाले हैं मूली के, ये चटनी में जाएंगे। एक पूरा नींबू है, 8-10 हरी मिर्चें हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। ये चटनी में नमक जाएगा, ये हींग है थोड़ी सी, आधी चम्मच जीरा है, आधी चम्मच खटाई है, आधी चम्मच काला नमक है। और ये मिर्चें मुझे फ्राई करनी है एंड में, जो साथ में मिलती हैं लड्डुओं के। और ये थोड़ा हरा धनिया है, ये मूली के पत्ते हैं, और ये एक मूली है कसी हुई कद्दूकस, जो उसके ऊपर से डाली जाती है। अब मैं आपको पहले चटनी बनाऊंगी, फिर दिखाऊंगी, फिर ये दाल पीस का जब मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें पुदीना भी डलता है, पुदीना मुझे मिला नहीं था, जिसकी वजह से मैं पुदीना नहीं डाल रही। देखिये, मैंने इसको सबको कट कर लिया है। अभी मैंने कट इसलिए नहीं किया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊं कि ये क्या चीज डाल रही हूँ मैं। तो आपको आधी अधूरी चीजें दिखाई है, इसलिए मैंने पूरा डाला ये। और ये थोड़े चरपरी हो जाती है चटनी, टेस्ट आता है इसमें, जायका भी आता है, इसलिए मूली के पत्ते डाले जाते हैं। ये बहुत अच्छे लगती है। ये मिर्ची काट कट कर ली है, ये थोड़ा सा वो है धनिया, अदरक, सारी चीजें मैं डालकर इसको पीसूंगी। नींबू का रस डालना है मुझे इसमें, ये काला नमक डालना है। एक एक चीज आपको मैंने इसलिए दिखाई है, बताई है, ताकि आपको मालूम हो कि मैंने क्या क्या यूज किया है। हींग है, खटाई है, जीरा है। मैं इसको पीस कर फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए, चटनी पीस के तैयार हो गई है, बहुत मजेदार खुशबू आ रही है चटनी में से। और दाल पीस लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ये तीनों दालें मिक्स कर दी एक जगह, और इसको इसमें डाल दिया था हमने इसलिए ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये भी एकदम सूखा है, इसी तरह हम इसको पीसेंगे, पीस कर फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, दाल पीस गई है, अभी हमने फेंटना शुरू किया है। इसे फेंट लें अब अच्छे से 10 से 15 मिनट, फिर आपको दिखाएंगे हम जब तैयार हो जाएगी। तो पीस तो अच्छे से गई है, क्योंकि गाढ़ी होती है दाल बगैर पानी के, इसलिए हाथ चल नहीं पाता। चलिए, मैं इसको पूरी तैयार कर लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, दाल हमने इतनी फेंट चुकी है हमारी, और इसके अंदर हम ये नमक और हींग थोड़ी सी ऐड करेंगे। चुटकी भर हींग है और आधी चम्मच से भी कम नमक है। फिर इसको 10 मिनट हम फेंटते हैं, फिर आपको बिल्कुल तैयार करके दिखाते हैं कंप्लीट। देखिए, ये दाल हमारी पूरी फेंट के तैयार है एकदम। और अब आपको हम एक चीज दिखाते हैं, इसकी पहचान क्या है जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इसने ऊपर तैरना शुरू कर दिया, बस यही इसकी पहचान है। इसके पानी के नीचे नहीं डूबेगी, और एकदम यकीन मानिए, इतनी हलवा हो रही है ये दाल, इतनी नरम हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दूध पे से वो नहीं उतारते मक्खन चलाकर, बिल्कुल वो कंडीशन हो रही है, एकदम हलवा हो रही है दाल। बहुत मजे के लड्डू बन के तैयार होंगे। अभी तेल गर्म हो जाता है, फिर हम आपको दिखाते हैं लड्डू बनाकर। देखिए, अब हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हैं, एकदम गुलाबी गुलाबी हो गए हैं, इनका रंग सुनहरा हो गया, और हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। बहुत बढ़िया बने, देखिए। बहुत अच्छे हो रहे हैं, और हम डाल के और दिखाते हैं फ्राई पैन में। देखिए, ये हमारे लड्डू बनके तैयार हैं, एकदम गोल गोल कुरकुरे। और आप देखिए, ये मिर्चें फ्राई हो रही है हमारी, बहुत मजेदार वाली मिर्चें फ्राई हो रही है। फ्राई हो जाती है, फिर आपको दिखाते हैं।
देखिए हमारी मिर्चें फ्राई हो गई हैं और हम अब इनको बाहर निकालते हैं। मोटी वाली मिर्ची है, जैसे रेडीमेड मिलती है, एकदम मस्त बनी है। अभी आपको प्लेट में डालकर तैयार कर, देखिए कितने बेहतरीन बने, देखिए कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट है, देखिए बहुत बढ़िया बने हैं। इसके ऊपर ये मैंने गार्निश किया है, ये देखिए मिर्च बड़ी बड़ी तली है, ये रही, और हम इसको आपको गार्निश करके दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। देखिए बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है मिर्ची के साथ, धमाका मचा दिया राम लड्डू ने। और इसको आप इस तरह भी इसमें भी पैक कर सकते हैं, देखिए इसमें भी पैक कर सकते हैं आराम से। ये बन गए हमारे रेडीमेड के, कैसे लगे आपको बताइएगा कमेंट में। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी बना सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 घंटा पहले भी आग अगर दाल भिगाएंगे गर्म पानी में तो जल्दी काम हो जाएगा आपका, और अगर ठंडे पानी में डालेंगे कम से कम 3 घंटे तो चाहिए 3 से 4 घंटे। तो अगर जल्दी करना है आपको गर्म पानी में डाल सकते हैं दाल को 2 घंटे पहले, और आराम से आप ये बन के तैयार हो जाएंगे आपके। और बाहर के तो खाते ही हैं हम, घर के भी खाकर देखें कैसे लगेंगे मजेदार वाले। देखिए अभी आपको हमने दिखाए थे पूरे फ्राई करके ये, और ये बिल्कुल तैयार हैं, एकदम बहुत अच्छे बने हैं एकदम, देखिए बहुत अच्छे से नरम है, कुरकुरे भी हो रहे हैं। और ये मिर्ची तली है हमने जो आपको दिखाई थी, और बहुत ही मजे के हैं, जल्दी से आप बना के खा सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, और बहुत टेस्टी हुए हैं। ये चटनी भी बहुत अच्छी है, एकदम खट्टी जायकेदार। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।